Hi guys, welcome back. So in today's result update, we'll cover five companies: Trent, Shoppersstop, Gillette India, Mahindra Hotels and Resorts, और फिर Rosario Biotech. So हम पांच companies आज cover करने वाले, ठीक है? Now before I go into the result, मैं एक case scenario बताना चाहती हूँ. एक three case scenario होता है, जहाँ पे हम लोग सिर्फ दो parameters लेंगे. एक होता है revenue और PAT, ठीक है? Based on two parameters, you can divide all the companies into three categories, ठीक है? एक simple से हम मैं बोल सकती हूँ, ठीक है? पहला scenario है जब एक रेवेन्यू जो होता है, आपका सेल्स जो होता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, मतलब 30% 40% वैसा, लाइक मतलब रेवेन्यू ग्रोथ है, पर आपका पैट नहीं है, मतलब आप लॉस मेकिंग कंपनी हो. तब क्या होता है? तब शेयर होल्डर को पैसे नहीं मिलता है, क्योंकि जब एक कंपनी में प्रॉफिट नहीं होता, मतलब मुनाफा नहीं होता है, तब तक शेयर होल्डर कैसे बनाएगा, राइट? मतलब जो भी आपने लगाया पैसा उस कंपनी में, तब तक जब वो बिजनेस पैसा नहीं बनाता, लाइक हाउ कैन शेयर होल्डर मेक मनी ओवर देयर? सो इट बिकम्स एन इजी रिजेक्ट दिस काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल्स. ऑफकोर्स देयर आर ऑलवेज बट एंड इफ, कंसिडरिंग इफ इट इज अ टर्न अराउंड स्टोरी, लाइक यस्टरडे हाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट फोर्स मोटर, और इफ यू कैन मेक अ प्रोजेक्शन के लाइक बेस्ड ऑन द कॉन कॉल और एनीथिंग के लाइक, अरे इतना प्रॉब्ली नेक्स्ट क्वार्टर में ये तो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, या वरना कॉन कॉल में बताया जाता हो, ठीक है? बट आई एम टॉकिंग अबाउट जनरली लाइक अ बैड कंपनी जहाँ पे लॉस मेकिंग होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेक यू रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, जो बर्गर किंग का है, और जोमैटो. बट जोमैटो एम टॉकिंग अबाउट टू क्वार्टर्स पहले. नाउ यू विल सी, अगर QSR में भी रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, इट वॉज अ फैंटास्टिक कंपनी, राइट? अगर आप देवयानी सफर सब कर दे लो, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया जो होता है वो बहुत तेजी से ग्रो करता है कंपेयर टू एवरीबडी, पर वहां पर भी पैसे नहीं बनते, क्योंकि यहाँ पे वो तो लॉस मेकिंग कंपनी है. तो आप कितना भी बेस्ट हो, बिकॉज यू आर अ लॉस मेकिंग कंपनी, क्या एंड देर इज नो, हाउ डू आई टेल यू, देर इज नो फ्यूचर के लिए, तब वेन विल द लॉसेस यू नो लेसन, एंड देन वेन यू बिकम प्रॉफिटेबल. द अदर थिंग ऑल्सो, लाइक आई टोल्ड यू, जोमैटो. जोमैटो का कहीं सारा है, लाइक अदर थिंग्स ऑल्सो, बट जस्ट बेस्ड ऑन रेवेन्यू और पैट में बात करती हूँ, तब भी लाइक जोमैटो वॉज ग्रोइंग एट 40% 50%, राइट? बट सिंस वी आर नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट, यू विल सी दैट द स्टॉक वॉज ऑल्सो स्टक, राइट? स्टक. सो नाउ दिस इज योर फर्स्ट कैटेगरी, विच इज एन ईजी रिजेक्ट. द सेकेंड कैटेगरी कम्स इज जब आपका रेवेन्यूज जो है वो शायद ग्रो हो रहा है, लाइक सिंगल डिजिट में, लाइक उतना सेल्स नहीं आ रहा है, वेरी यू हैव अ वेरी म्यूटेड सेल्स ग्रोथ. आई वुड से आपका सिंगल डिजिट में 4-5% का रेवेन्यू ग्रोथ हार्डली होता है, वरना रेवेन्यू फ्लैट होता है. पर आपका जो पैट है, राइट, पैट तो लाइक चौके पे चौका, मतलब 40% 50% पैट ग्रोथ, लाइक आपको समझ में आता होगा, सेल्स तो इतना छोटा है पर पैट इतना बड़ा होता है, राइट? हियर ऑल्सो यू सी, इन दिस काइंड ऑफ कंपनीज क्या होता है, सी अल्टीमेटली आपको पैट चाहिए, बट दिस पैट कम्स आइदर बिकॉज ऑफ फॉल इन रॉ मटेरियल प्राइसेस, यू नो, या थिंग्स बिकमिंग रिकवर. अल्टीमेटली अगर आपको धंधा को ग्रो करना चाहिए, यू हैव टू सेल मोर प्रोडक्ट्स, राइट? आपको जो भी प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, आपको वो बेचना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? दैट इज वॉट इट इज. आप वॉल्यूम ग्रोथ कर सकते हो, वैल्यू ग्रोथ कर सकते हो, या वरना दोनों, वॉल्यूम और वैल्यू, विच इज दी मोस्ट बेस्ट कॉम्बिनेशन, आई वुड टेल. इफ यू कैन गेट बोथ इन अ बिजनेस, राइट, देन इट इज गुड. पर अल्टीमेटली जब आप रेवेन्यू स्टैग्नेट हो रहा है वहां पे, राइट, देयर विल कम अ पॉइंट वेर यू लूज ऑन दिस पैट ऑल्सो अल्टीमेटली, राइट? दैट इज अनदर थिंग. नेक्स्ट जो दूसरा होता है, जहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ होता है पर ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलता है. ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब है जब ये पैट उतना तेजी से नहीं ग्रो करते जैसे रेवेन्यू करते हैं. मतलब अगर आप रेवेन्यू देखते हो, रेवेन्यू इज ग्रोइंग एट लेट्स से फॉर एग्जांपल 25%, पर पैट ग्रो हुआ सिर्फ 20% से, मतलब क्या पैट का ग्रोथ कम था कंपेयर टू रेवेन्यू ग्रोथ, राइट? इसको हम बोलते हैं लाइक ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला, ठीक है? इन सिंपल टर्म्स, लाइक दिस इज अ सिचुएशन आई वुड से इज एक्सेप्टेबल व्हेन द कंपनी इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट रेट, लाइक मतलब एक्सपेंशन कर रहा है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देख सकते हो Q3 का, अगर मैं बात करूँ तो द ज्वेलरी स्पेस में कल्याण और सेल्को इतना तेजी से रैपिड एक्सपेंशन कर रहे हैं, इतना सारा स्टोर्स डाल रहे हैं, और ज्वेलरी में आपका अपफ्रंट एक्सपेंसेस होता है, यू हैव टू कीप द इन्वेंटरी एंड एवरीथिंग, इसके वजह से एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, आप इतना तेजी से एक्सपेंड कर रहे हो, एंड आपका पैट जो है पैट उतना तेजी से नहीं बढ़ता है. दिस इज केस 3. आई वुड से वुड रादर हैव केस 3 दैन केस 2 दैन केस 1, राइट? दिस इज आई वुड से. सो ऑल द कंपनीज दैट वी आर डिसाइडिंग, सॉरी, टॉकिंग अबाउट टुडे, ट्रेंड हो, शॉपर स्टॉप, एवरीथिंग, इट फॉल्स इन आइदर ऑफ द केसेस, आइदर केस 2 या केस 3, ठीक है? पहले हम बात करते हैं ट्रेंड के बारे में, ठीक है? अगर आप ट्रेंड का बारे में बात करते हो, ऑफ कोर्स लाइक ऑलवेज द रिजल्ट हैज बीन ब्लॉकबस्टर, ठीक है? क्योंकि अगर मैं बात करूं, लाइक जैसे मैंने वो लास्ट टाइम का, आई थिंक 3 दिन पहले एक अपैरल्स का वीडियो बनाया, राइट, उसमें भी मैंने बोला था कि लाइक अगर आप देखते हो पूरा अपैरल स्पेस में जो हाई और मिड सेगमेंट को केटर करता है, वहां पे ट्रेंड की एक ही कंपनी है जो शायद मालूम नहीं क्या करे, बट कुछ तो अलग करे, क्योंकि सारा का सारा जो कंपनीज है वो तो एब्सोल्युटली दे नॉट डूइंग ग्रेट, राइट? लाइक एब्सोल्युटली
की वर्स्ट, पर ट्रेंड ही एक ही कंपनी जो जबरदस्त ग्रोथ ला रहा है। इस बार भी अगर आप देखते हो इस Q4 over Q4 में ईयर ऑन ईयर अगर आप देखते हो ग्रोथ था 50%, ठीक है, और पैट भी उसी रेट से ग्रो हुआ, मतलब पैट ग्रो फ्रॉम 44 करोड़ था लास्ट ईयर और अभी हुआ है 712 करोड़। नाउ एक और चीज मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि Q3 जो है, Q3 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, राइट, क्योंकि इतना सारे फेस्टिवल्स होता है, वेडिंग सीजन होता है एंड एवरीथिंग, इसके वजह से सेल्स थोड़ा ज्यादा होता है। बट लास्ट क्वार्टर ऑल्सो दे ग्रो 50%, Q4 ऑल्सो दे ग्रो, नॉट क्यू की एम टॉकिंग अबाउट, बट Q3 on Q3 ऑल्सो दे ग्रो 50% एंड Q4 on Q4 ऑल्सो दे ग्रो 50%। सो आई वुड से रियली फैंटास्टिक नंबर्स। एक और चीज है यहाँ पे, इट फॉल्स इनटू Case 3। नाउ Case 3 क्यों बोल रहे हो, अगर मैं जो बोली हूँ यहाँ पे पैट तो 44 करोड़ से 712 करोड़ हुआ, इट इज अ ह्यूज डिफरेंस इन पैट, राइट, अगर आप देखते हो। वन ऑफ द रीजन इज यहाँ पे 576 करोड़ जो है, राइट, यहाँ पे एक लीज लायबिलिटी का इशू आते हैं ना, आई वुड से इशू एक वन टाइम एक्सेप्शनल आइटम हुआ है 576 करोड़ का। नाउ व्हाट इज दिस वन टाइम एक्सेप्शनल आइटम ऑफ 576 करोड़, यूजुअली अगर आप देखते हो, फॉर एग्जाम्पल आई कैन गिव यू डीमार्ट, अगर आप डीमार्ट का सिचुएशन देखते हो, वो क्या करते हैं, जब भी एक नया स्टोर डालते हैं वहाँ का लैंड भी खरीदते हैं और अपना ही बिल्डिंग खड़ा कर देता है, राइट, इसलिए आप देखते हो एक डीमार्ट स्टोर जब वो खुलाता है, दूसरा सेकंड डीमार्ट स्टोर खुलने में उनका 8 साल लग गया, राइट, बिकॉज दे इन्वेस्ट इन लैंड। बट ट्रेंड वो ऐसा नहीं करता है, बिकॉज ट्रेंड को ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंशन दे वॉन्ट टू डू एट अ वेरी फास्ट रेट। सो वॉट दे आर डूइंग, अगर उनका कोई मॉल्स में या कोई भी एम्प्टी स्पेसेस में उनको जगह मिलते हैं, दे टेक दैट फॉर रेंट या लीज। रेंट का मतलब क्या है, आप एक महीने का भाड़ा देते हो, लीज का मतलब इन जनरल टर्म्स मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज व्हाट इट मींस, कि लाइक आप एक अग्रीमेंट पे जाते हो कि लाइक पहले ही पैसा पे कर देते हो, कि लाइक 10 शायद 3 इयर्स के लिए 10 लाख, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ओके, एंड आफ्टर द एंड ऑफ 3 इयर्स जो आपका ओनर है आपको वो काट फूट के, आपने कोई डैमेज किया बिल्डिंग का, उसका पैसा काट के आपको पूरा पैसा वापस दे देता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यूजुअली द लीज अग्रीमेंट हैपेंस। और ट्रेंड का क्या होता है, एवरी ईयर एट द एंड ऑफ Q4 क्या होता है, वो एक रीअसेसमेंट करते हैं, ठीक है। एक होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल उनका अभी कोई स्टोर में, लेट्स से उस स्टोर का लोकेशन के वजह से कुछ बिजनेस नहीं चला, दे रीअसेस दैट स्टोर, एंड इन केस दैट स्टोर इज नॉट डूइंग वेल, व्हाट दे डू इज दे क्लोज दैट स्टोर डाउन, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स वंस अ स्टोर इज क्लोज डाउन दे विल गेट द लीज अमाउंट बैक, राइट, व्हाट एवर कंडीशंस हैव बीन गिवन इन दैट लीज अग्रीमेंट। और सेकंड चीज है, लेट्स से फॉर एग्जांपल उस बिल्डिंग में, लेट्स से योर टाइम फॉर दैट लीज पीरियड वाज 3 or 5 years, एंड आफ्टर दैट द पर्सन हु इज देयर हु इज रेंटिंग यू दैट लीजिंग दैट बिल्डिंग आउट फॉर यू इज नॉट विलिंग टू रिन्यू द अग्रीमेंट, देन ऑल्सो ही हैज टू गिव द मनी, राइट। सो इसके वजह से इस साल बाय द ईयर एंड दैट 576 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम जो है, अगर आप एक्सेप्शनल आइटम को भी बाहर रखते हो, मतलब फिर भी यू विल सी दैट द पीबीटी ग्रोथ हैज बीन लाइक प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल गेन्स हैव आल्सो बीन हायर। लेट मी गेट द एग्जैक्ट नंबर, हाँ, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स अगर आप देखते हो 60 करोड़ से हुआ है 301 करोड़। सो इवन देयर ऑल्सो यू विल सी प्रॉफिट हैज ग्रोन एट आई वुड से 3x, राइट। सो ओवरऑल अ ग्रेट सेट। अगर आप ईपीएस भी देखते हो, ईपीएस भी उसी रेट से बड़ा है, ठीक है। सो ओवरऑल ग्रेट सेट ऑफ नंबर्स, आपका आरओई भी डबल हो चुका है ट्रेंड का, सो आई डोंट हैव एक्चुअली एनी कंप्लेंट्स। अगर यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको ऑपरेटिंग लेवरेज भी नहीं मिलता है, ठीक है, ट्रेंड का बात मैं कर रही हूँ, पर जब एक कंपनी 50% से ग्रो कर रहे हैं भाई, लाइक और क्या प्रॉब्लम है आपको, मतलब देखो जब तक सेल्स है तो, एंड स्पेशली व्हेन दे आर इन दिस ग्रोइंग फेज, तब तो लाइक वन डे दैट प्रॉफिट विल कम ना एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज दे आर नॉट अ लॉस मेकिंग कंपनी, तो क्योंकि दे आर इन द रैपिड एक्सपेंशन फेज, ठीक है। और एक सो आई वुड से ट्रेंड हैज बीन अ गुड सेट ऑफ नंबर्स। और एक चीज है, अगर आप ट्रेंड का बात करते हो, ट्रेंड का तो 3 मेन चीज है ना, एक तो है जूडियो, जारा और फिर वेस्टसाइड, तीनों का तीनों अपैरल स्पेस में उनका चल गया। और एक और उनका वो एक स्टार मार्ट बोल के जो एक ग्रोसरी स्टोर है, ठीक है, मतलब वही आपका जैसा नॉर्मल सुपर मार्ट होता है ना, the same thing, यहाँ पे earlier it used to be a drag down, ठीक है, but now उनका भी like 66 stores है अभी Star का as of Q4, and वहाँ पे all it has been a 30% growth Q4 over Q4, and here ये 30% का growth जो आया है सिर्फ और सिर्फ same store sales growth आया है, मतलब ये growth जो है नया store डाल के उस store expansions के वजह से नहीं आया है, पर existing store का sales के वजह से ही आया है, so I would say really exceptional set of numbers. So I would say trend falls in probably Case 3. Now let's go to Shoppers Stop. Shoppers Stop का अगर आप बात करते हो, उतना कुछ खास नहीं है, 7% से revenue has grown on a year on year basis, and अगर आप बात करते हो like on a Q like FY23 versus FY24 के बारे में बात करते हो, then the revenue has grown around like what 13%. So जो कंपनी एक GDP और inflation, इंडिया का GDP और inflation अगर आप मैं बात करूँ, like combined it comes up to 12 to 13%, right? 7% का ग्रोथ है आई थिंक, एंड
एंड 5% इन्फ्लेशन डाल दो. सो जो उस रेट से ग्रो कर रहे हैं, वाई वुड यू होल्ड दैट इन योर पोर्टफोलियो. सो आई वुड से दीज आर द काइंड ऑफ कंपनीज दैट विल नॉट मेक, दैट विल नॉट हेल्प यू लूज मनी, बट ऑल्सो विल नॉट हेल्प यू मेक मनी ऑल्सो. और एक चीज़ है, मैं बोल सकती हूँ कि लाइक अगर आप, सो दिस फॉल्स इन केस टू, जहाँ पे प्रॉफिट तो है, प्रॉफिट अगर आप देखते हो, आई थिंक द प्रॉफिट इज, देर इज अ गुड अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज हियर. प्रॉफिट तो डबल हुआ ईयर ऑन ईयर, बट जब सेल्स ही नहीं है, जब आपका जो आइटम्स है वही बेचते नहीं हो, तो आपका प्रॉफिट्स होके भी क्या फायदा. लाइक फॉर इन शॉपर स्टॉप भी ये 7% का ग्रोथ जो आया है, वो आया है लाइक दाम को बढ़ा के, वैल्यू ग्रोथ हम जो बोलते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं इस साल दो, आई एम सेलिंग ओनली टू प्रोडक्ट्स, ठीक है. हाँ, नेक्स्ट साल इफ आई हैव टू इंक्रीज माई सेल्स, क्या मुझे 4 प्रोडक्ट्स तो बेचना पड़ेगा ना. पर ये लोग ऐसा नहीं कर रहे, अभी भी 2 ही प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, पर वो 2 प्रोडक्ट्स का शायद पहले साल 10 रुपए होता था, अभी 20 रुपए हो गए हैं, ठीक है. सो उनका जो एवरेज सेलिंग प्राइस जो हम बोलते हैं, दैट हैज इंक्रीज लाइक 5-7%. सो इसके वजह से, एज अ रिजल्ट, बिकॉज ऑफ दिस यू आर सीइंग दिस टॉप लाइन ग्रोथ. अगर ये प्राइस इंक्रीज नहीं करता ना, तो ये भी नहीं होता, ठीक है. सो दिस इज वन थिंग. ओ माय गॉड, इट्स सो हॉट. बट एनीवेज, या नाउ अगर मैं बात करूँ शॉपर स्टॉप के एक प्रॉब्लम जो है, दे आर नॉट एबल टू अडेप्ट, ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप ट्रेंड का बात करते हो, लाइक आई टोल्ड यू, ट्रेंड का तीन प्लेयर्स है, राइट. एक है ज़ारा, एक है वेस्टसाइड और एक है जूडियो, ठीक है. ज़ारा का प्रॉब्लम क्या है, ज़ारा तो एक फॉरेन ब्रांड है, स्पेन का एक ब्रांड है. सो ट्रेंड हैज़ दी ओनली राइट टू सेटअप स्टोर्स एंड डू द डिस्ट्रीब्यूशन. कुछ डिजाइन नहीं करते, कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते, ठीक है. दैट इज़ दी ओनली जॉब, ठीक है. और एक कंडीशन है जो ज़ारा का स्टोर्स में है, कि लाइक अगर आप ज़ारा का स्टोर्स खड़ा करते हो कहीं पे भी इंडिया में, इट हैज टू बी इन अ प्रीमियम लोकेशन, क्योंकि ज़ारा जो है एक सेमी प्रीमियम ब्रिज टू लग्जरी ब्रांड है, राइट. एज अ रिजल्ट, बट इसलिए आप देख सकते हो वो सिर्फ मॉल्स में रहता है, ठीक है. एंड इवन इन दैट मॉल्स में भी प्रीमियम मॉल्स, लाइक अगर आप बैंगलोर में आते हो, ज़ारा प्रॉबली इज देयर ओनली इन फीनिक्स एंड आई थिंक वन मोर फोरम मॉल, बट द मेन सेल हैपन्स थ्रू फीनिक्स ओनली. एंड अगर आप बॉम्बे में जाते हो, प्रॉबली वो कोलाबा में एक है, आई थिंक वो बिगेस्ट ज़ारा जो है इंडिया का, वो वहाँ पे है. सो यू डू रियली सी, राइट, कि लाइक टू गेट दैट वॉल्यूम ग्रोथ ओवर हियर, इट बिकम्स टफ, क्योंकि T2 और T3 में आपको प्रवेश करने में ही प्रॉब्लम होगा ज़ारा के वजह से. सो दैट, सो व्हाट टू डू फॉर T2 और 3T सिटी. एंड उसी टाइम पे क्या हुआ, वो एक चाइनीज ब्रांड था ना, शीन बोल के, उसका भी बैन लग गया था. तो हियर देयर वाज अ ह्यूज गैप, क्योंकि ज़ारा T2 और T3 सिटी के मेंटर नहीं करते, और वहां पे भी वो फास्ट फैशन ब्रांड तो गया, राइट. सो देयर वाज अ ह्यूज गैप फॉर अ जेन ज़ी मिलेनियल फास्ट फैशन ब्रांड, एंड दैट इज व्हेन ज़ूडियो एंटर्ड द मार्केट एंड स्टार्टेड यू नो सेटिंग अप स्टोर एक्सपेंशन एट अ रैपिड रेट, ठीक है. एंड ऑल्सो दे अंडरस्टूड कि लाइक यू नो देयर वाज अ डिमांड फॉर दिस मिलेनियल एंड जेन ज़ी काइंड ऑफ फास्ट फैशन प्रोडक्ट. शॉपर स्टॉप जो है, इट हैज बीन देयर फॉर द लास्ट 20 इयर्स. आई थिंक एवरीबडी हैज एन एक्सपीरियंस विद शॉपर स्टॉप, राइट. वेन वी वर यंग, वुड गो टू अ मॉल, पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर जो है वो शॉपर स्टॉप पे था, एंड यू नो इट वॉज अ बिग थिंग बाइंग फ्रॉम शॉपर स्टॉप एंड ऑल, बिकॉज इट वॉज प्रीमियम, राइट. पर जब तब तो लाइक उतना ऑप्शन नहीं था, नाउ यू हैव सो मेनी ऑप्शन एंड देव नॉट बीन एबल टू अडेप्ट ऑल्सो. सो एज अ रिजल्ट यू विल सी कि लाइक शॉपर स्टॉप ना, जो ये केस टू में आता है, जो जहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ है और प्रॉफिट तो मुनाफा तो उतना है, पर जब रेवेन्यू ग्रोथ इज हार्डली ग्रोइंग एट सिंगल डिजिट, क्या ही फायदा, राइट. सो आई वुड से कि लाइक इसका अगर आप बैलेंस शीट CFO मतलब कैश फ्लोज देखे भी फायदा नहीं है, क्योंकि जब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है सेल्स ग्रोथ ही नहीं है, तो क्या ही फायदा. आई हैव अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, यू शुड बी एबल टू रिजेक्ट कंपनीज क्विकर दैन यू एक्सेप्ट कंपनीज. सो जब आपको मालूम ही पड़ता है कि लाइक सेल्स ग्रोथ है हार्डली 7-8%, क्लोज अ PPT फास्टर देन यू ओपन इट, ठीक है. और एक कंपनी है जिलेट इंडिया, अगर आप देखते हो, एटलीस्ट वे बेटर देन वॉट इट यूज टू बी, क्योंकि अगर आप पिछले क्वार्टर से, उसी क्वार्टर से पहले, लाइक एक साल का पहले अगर आप डेटा देखते हो, हार्डली 4-5% से करता था, अभी जो सेल्स है अभी 10% से कर रहा है. तो आई वुड से बेटर, बट अगेन लाइक ये तो मतलब यहाँ पे अगर आप नया इन्वेस्टर हो एंड आपके पास छोटा कैपिटल है एंड यू वांट टू ग्रो योर मनी, जिलेट इज नॉट द प्लेस, क्योंकि जिलेट तो आपका वो कैटेगरी में आता है वेर यू नो यू हैव अ ह्यूज मनी एंड यू वांट अ ह्यूज डिविडेंड, राइट. सो यू गो टू प्लेसेस लाइक जिलेट वेर योर मनी इज प्रोटेक्टेड एंड यू गेट अ वेरी हाई डिविडेंड इंजन, आई वुड टेल यू दैट इज द थिंग, राइट. और जिलेट भी केस टू में आता है, जहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ इज हार्डली ने सिंगल डिजिट, पर पैट उतना, ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा है. अगर आप देखते हो ऑपरेटिंग लेवरेज इज अराउंड 20%, ठीक है, मतलब पैट ग्रोथ हैज बीन 20%, ठीक है. सो इट्स गुड. अनदर थिंग ओवर हियर इज लाइक आई वांट टू हाईलाइट हियर इज Whenever you hold a company, right, irrespective of the sector, one is उस कंपनी को जो मैनेजमेंट ने बोला है, इट हैज़ टू वॉक द टॉक, ठीक है. सेकेंड थिंग होता है, वो जो गाइडेंस दिया है उसको करना चाहिए, या वरना ओवर एक्सिट करना चाहिए गाइडेंस. थर्ड थिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, उस सेक्टर में इट हैज़ टू बी द बेस्ट परफॉर्मिंग. लाइक फॉर एग्जाम्पल,
अगर आप FMCG में देखते हो राइट नाउ, जिलेट इज अ बेस्ट परफॉर्मिंग आई वुड से, क्योंकि HUL तो लाइक शायद HUL का सेल्स फ्लैट था, और क्या आता नेस्ले आई थिंक ग्रू बाई 8 या 9% 7% और समथिंग उस तरफ से था, या जिलेट यहाँ पे क्या करे 10% से ग्रो किया. सो वॉट हैपन्स इन अ सेक्टर, जब वेन यू आर द हाइएस्ट ग्रोइंग इंजन, मनी फ्लोज बिहाइंड यू. ठीक है, दैट इज अ थिंग. लाइक आई थिंक अ सिमिलर एग्जाम्पल आई कैन गिव यू इज लेट्स से अगर आप स्कूल में इफ यू आर द टॉपर ऑफ द क्लास, तो यू बिकम टीचर्स फेवरेट पेट ना, you become teacher's favorite and teacher will only shower you, like you will become the his or her favorite boy. So as a result yahan pe bhi waise hi hote hai, jab ek boy when a business becomes performs the best, right, all the money in the market chases after the business, like how you tell money chases growth. So that is the same thing right now that is happening with Gillette also, I feel, to a certain extent, because you know it has performed better than the other large cap companies, right. Wahi hai. लास्ट में हमारा आता है रोजारियो बायोटेक. अगर आप रोजारियो बायोटेक के बारे में बात करते हो, तो ये एक कंपनी है, एक केमिकल बेस्ड कंपनी है, जो मतलब ये आपका क्रीम्स में, सैनिटाइजर में, या मतलब जो फ्लोर क्लीनर है उसमें सब केमिकल डालते हैं ना, ये उस केमिकल को मैन्युफैक्चर करते हैं, और एक B2B बिजनेस है, मतलब केमिकल मैन्युफैक्चर करते हैं और दूसरा बिजनेस उसको बेचता है. ठीक है, यहाँ पर अगर आप बात करते हो, इस कंपनी का बहुत सारा प्रॉब्लम्स था. पहले अगर आप बात करते हो 2020 से 2021 में क्या हुआ, 2020 में तो लो बेस था एंड एवरीबडी वॉज कमिंग आउट ऑफ कोविड, तो ग्रोथ तो बहुत दिख रहा था. पर 2021 और 2022 में हर एक केमिकल सेगमेंट का एक ही प्रॉब्लम था, रॉ मटेरियल का प्राइसेस बढ़ गया, डिमांड कम है पर सप्लाई ज्यादा है. सो दे वर ऑल्सो नॉट एनी हाउ डू आई टेल, दे वर ऑल्सो नॉट प्रोन टू लाइक ऑल्सो प्रोन टू द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. एज अ रिजल्ट उनका बहुत सारा प्रॉब्लम था, रेवेन्यू का डीग्रोथ भी हो गया था एक साल में. ठीक है, पर अभी स्लोली क्या हो रहा है, स्लोली थोड़ा सा सेल्स इज पिकिंग अप एंड एवरीथिंग, बट स्टिल इट इज नॉट बैक टू द प्री कोविड डेज, इट इज स्टिल नॉट बैक, लाइक डिमांड भी उतना कुछ ठीक नहीं हुआ. इसलिए आप देखते हो कि लाइक रेवेन्यूज जो है वो ग्रो हुआ है 16% से ईयर ऑन ईयर, और पार्ट जो है वो 17% से ग्रो हुआ है, पर वही ना क्यू में भी और भी फ्लक्चुएशन है. सो थिंग्स हैव नॉट, इट इज गेटिंग बेटर आई वुड से, बट इट इज नॉट बैक टू द सेम सिचुएशन. सिमिलर विथ महिंद्रा रिजॉर्ट्स एंड हॉलीडे होम्स एंड रिजॉर्ट्स अगर मैं बात करूँ, सो महिंद्रा हॉलीडे अगर इसका भी बात करूँ तो वही है. वेन यू आर इन कोविड, nobody was going to resort, nobody was going to entertainment parks and everything. So as a result, previous year the revenue was zero. Zero se agar aap 10 crore bhi karte ho, aapka 100% se zyada hi increase hua na. So same thing, 2020 mein it was a very good bet, I would tell you, Mahindra Resorts. Par kya hua, abhi to COVID to kab ka baat hai, the revenue to abhi normalized ho gaya hai, right? As a result, yahi problem hai iska bhi, right? You will see, jo main pace of growth ka baat karti, you check the screener mein jao aur sales ka niche dekho, pace of growth kitna kam hua hai, right? Earlier it was growing at 23-30%. Abhi because the base has become bigger and everything, you know, it has been a normalized year. It's come back to the normal 12-15% ka growth, theek hai? Aur PAT bhi yahan pe utna hai. PAT has grown by a whooping 48%. This comes again under case 2, jahan pe revenue is very mediocre, low single digit ka growth hai, par PAT jo hai 48%, like whooping double digit ka growth aata hai PAT mein, and a huge operating leverage is witnessed. But kya hi fayda jab aapka sales hi nahi badhta hai. Aur ek cheez main baat karna chahti hu ye Mahindra Resorts ke bare mein, agar aap dekhte ho iska PE abhi I think is around 70 kuch, right? अगर मैं इवन इफ आई अज्यूम कि लाइक आगे जाके भी ये 40% का ही ग्रोथ करेगा, मतलब पैट का ग्रोथ मैं कर रही हूँ, Q4 का अगर मैं बात करती हूँ, आई थिंक इट इज़ अराउंड 80, आई थिंक इट कम्स अप दी पैट ग्रोथ, अगर आप वैल्यूएशन का पी का वन ईयर फॉरवर्ड पी लेते हो, इट कम्स अप टू द रेंज ऑफ 67-70, राइट? आप 12-15% के लिए 67-70 पी एक साल फॉरवर्ड का भी देते हो, इट इज़ नॉट एक्यूरेटिव, क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ भी नहीं है पहले, और उसके बाद आपका पी का रेटिंग जो होता है वो भी नहीं होगा इस इंजन के साथ, राइट? सो दिस इज अ प्रॉब्लम. सो ओवरऑल यू कैन सी कि लाइक हमने जो भी आज डिस्कस किया, लाइक जो भी 5 कंपनी डिस्कस किया, चार कंपनी जो है केस 2 में फॉल करते हैं, जहां पे रेवेन्यू ग्रोथ है मतलब सिंगल डिजिट में, पर पैट इतना बड़ा है. एज अ रिजल्ट यू नो द कंपनी वुडंट बी मच एक्रेटिव. देन दी अदर वन ओनली कंपनी आई वुड से स्ट्रेंथ, जहां पे सेल्स बहुत बड़ा है मतलब, पर ऑपरेटिंग लेवरेज थोड़ा मिस हो चुका होगा, बट एनीवेज इट वुड बी अ मच बेटर बेट, बिकॉज अल्टीमेटली व्हेन अ कंपनी इज स्केलिंग अप, व्हेन अ कंपनी इज ग्रोइंग, व्हेन अ कंपनी इज यू नो इनटू बीइंग वेरी अग्रेसिव, देन अल्टीमेटली यू विल विटनेस दैट ऑपरेटिंग लेवरेज वन डे, राइट? सो दिस इज दैट अबाउट टुडे. आई होप दिस वीडियो मेड सेंस, एंड या आई विल सी यू अगेन विद अनदर वीडियो. आई थिंक भारत वायर्स, हैवेल्स, K
KPID Technologies, NewGen इन सबका रिजल्ट आ गया है. विल कवर इट इन अनदर वीडियो. सो या दैट्स दैट फॉर टुडे. आई होप दिस या दैट्स दैट. बाय.